हाई एवरी वन, आई एम शैली एंड वेलकम टू माई चैनल। तो यार फाइनली बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर आ गया है। बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दिवाली, करवा चौथ। तो आज हम करने वाले हैं कुछ कांजीवरम सिल्क साड़ीज का रिव्यू। एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो भी है, आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि यार फेस्टिव सीजन आने वाला है तो कुछ कांजीवरम सिल्क साड़ीज का रिव्यू करने के लिए। तो फाइनली आज मैं कर रही हूँ एंड ये एकदम परफेक्ट है अपकमिंग फेस्टिव एंड वेयरिंग सीजन के लिए। लाइट वेट भी है एंड अच्छी भी है। और जो साड़ीज का आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये एक ही ब्रांड की है, बाय द ब्रांड मितेरा। एंड आपको पता ही होगा मितेरा की साड़ीज मिंत्रा पे मिलती हैं और ये अब फेमस है ये वाला ब्रांड बेसिकली अपनी ब्यूटिफुल साड़ीज के लिए। तो हाँ, एक ही ब्रांड की ही है। तो दिस इज़ द फर्स्ट साड़ी, ये दिखती है कुछ इस तरह से। इसमें पूरा इसमें पिंक, एक्चुअली पिक्चर में कॉरल दिख रहा है पर एक्चुअली थोड़ी ड्यूअल टोन है, इट्स मोर ऑफ अ पिंक एंड ऑरेंज इसमें कम ही है, ज़्यादा पिंक है। तो पूरा पिंक कलर का है एंड इसके ऊपर गोल्डन एंड रेड कलर का इस तरह से प्रिंट हुआ है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और इसका जो बॉर्डर है पूरी साड़ी का वो है गोल्डन कलर का। तो ये है इसका पल्लू, ये पूरा पल्लू में इस तरह का डिज़ाइन आ जाएगा जैसे कि आपको दिख रहा होगा। वो जो लेडी ने लिया है उनके पल्लू पर आपको दिख ही रहा होगा गोल्डन कलर का पूरा डिज़ाइन है और रेड कलर का इसके ऊपर इस तरह से प्रिंट हुआ हुआ है। चलिए मैं आपको ब्लाउज दिखा देती हूँ। तो ये है इसका ब्लाउज, फुल ऑन गोल्डन कलर का है एंड रेड कलर के छोटे छोटे से इसमें इस तरह से प्रिंट हुआ हुआ है पूरे ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये है थोड़ा सा कुछ क्लोजअप, तो काफ़ी बड़ा ब्लाउज है। पूरी जो डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन है, कितने मीटर का है, क्या है, वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। वैसे आप लिंक खोल के चेक भी कर सकते हैं, वहाँ पे तो मिंत्रा पे तो सारी डिटेल्स होती ही हैं आउटफिट की कि कितना मेजरमेंट है, कितने साइज तक के लोगों के लिए बन जाएगा। तो ये है हमारा ओवरऑल ब्लाउज। ओके, चलिए आप देख लेते हैं दूसरी साड़ी। ये तो प्रॉपर ब्राइडल वेडिंग वेयर साड़ी है। इसका ब्लाउज आपको स्टिच मिलेगा इस तरह से। बस मुझे एक बात जो है अच्छी नहीं लगी साड़ी में कि यार ब्लाउज स्टिच तो है लेकिन एक ही साइज़ का ब्लाउज है और सबकी मेजरमेंट अलग अलग होती है यार। तो ये ब्लाउज जो है अगर आपका साइज एस या एम आप पहनते हैं तो ये आपको परफेक्ट आ जाएगा। लाइक आप टॉप्स में एस स्मॉल या फिर मीडियम पहनते तो आपको परफेक्ट आ जाएगा। मुझे आ गया लेकिन थोड़ा सा मुझे स्लीव से बहुत टाइट आ रहा था। तो इसका भी जो साड़ी का फैब्रिक है ये है सिल्क ब्लेंड, बहुत ही प्यारा, लाइक बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही खूबसूरत वाली साड़ी जिसे कहते हैं। तो ये वो है, डुअल टोन है, ऑरेंज और पिंक के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा मस्टर्ड का लुक भी आ जाएगा, इसमें रेड भी है। तो ये ओवरऑल ये इस तरह से स्टिच ब्लाउज मिलेगा। आई एम हैप्पी कि ये ब्लाउज स्टिच दे रहे हैं पर आई फील लाइक कि हर किसी के साइज के लिए देते ना लाइक एस एम एल एक्सएल तो ज़्यादा अच्छा होता। तो पीछे से इस तरह से नॉटेड ब्लाउज है और लाइक ये पूरा पीछे से ना ट्रांजी है जिसलिए कहता है, तो आपको इसके नीचे कुछ न्यूड ब्रा ही पहननी पड़ेगी। और ये पीछे जिन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है यार, ये इसकी क्वालिटी मीडियम है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं लगाया हुआ। आई विश पूरा जो सेम कपड़ा आगे यूज़ किया है वही वाला पीछे यूज़ करते तो मुझे लगता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्लाउज़ तो बहुत अच्छा है, साड़ी बहुत सुंदर है, कलर बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो पीछे इन्होंने फैब्रिक लगा दिया ना ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और साइज़ की भी इशू है यार, अगर आपका बस साइज़ 34 तक है ना तो ये आपको अच्छे से फिट हो जाएगा वरना आपको टाइट आने वाला है। और मुझे स्लीव से काफ़ी टाइट आ रहा था ये। तो ये है हमारी ओवरऑल साड़ी इस तरह से दिखती है। ये है इसका पल्लू और पल्लू में साइड में आपको दिख रहे होंगे इस तरह से छोटी छोटी पॉम पॉम जैसी ये हैंगिंग्स लगी हुई हैं। और पूरी ये इसका जो फैब्रिक है ये है सिल्क ब्लेंड, पूरे इसमें गोल्डन कलर का ऑरेंज रेड कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं। ये दिस इज़ द पल्लू। तो ये जो है मेरी रूम की लाइटिंग में आपको थोड़ा सा कलर का डिफरेंस दिख रहा होगा। अभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी नेचुरल लाइटिंग में तो आपको इसका एक्चुअल कलर दिखेगा। जो इमेज में दिख रहा है आपको कलर एग्जैक्टली सेम वही कलर आपको रिसीव होगा। तो ये है कुछ डिटेलिंग्स पल्लू की, पल्लू का कुछ क्लोजअप है। ये गोल्डन है, ये प्योर गोल्डन
तो ये है पूरी साड़ी पे इस तरह का ये प्रिंट हुआ हुआ है। अब मैं आपको क्लोजअप से दिखाऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये डुअल टोन है, ऑरेंज एंड पिंक एंड मस्टर्ड, इसमें तीन कलर्स आते हैं, बहुत ही प्यारा कलर है इसका। तो ये है इसका बॉर्डर, पूरी साड़ी में ना इस तरह का बॉर्डर है नीचे की तरफ जो आएगा, इस तरह का बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉर्डर है। तो यार अगर आपकी शादी हो गई है, शादी होने वाली है, और खासकर दुर्गा पूजा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा फेस्टिवल आप लोगों के लिए बहुत मतलब होता है ना, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो आप लोग उसमें भी ये वाली साड़ी पहन सकते हैं। तो ये है पूरी बहुत ही शाइनी शाइनी वाला है यार, इतनी प्यारी। और यार अगर आप न्यूली वेड ब्राइड भी हैं तो आप ये साड़ी पहन सकते हैं, इसको आप वेडिंग्स में पहन सकते हैं, फेस्टिवल सीजन में पहन सकते हैं। लाइट वेट है, पहनने में तो बहुत लाइट वेट है और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है। प्लस आपको मिलता है स्टिच ब्लाउज, तो मुझे लगता है 3000 रुपीज़ इज एब्सोल्युटली वर्थ इट इस साड़ी के लिए। ये है थोड़ा क्लोजअप, ये मैं आपको थोड़ा हिला के इसलिए दिखा रही हूँ सो दैट आपको पता लगे कि ये डुअल टोन है। आपको इसमें पिंक भी दिख रहा होगा, ऑरेंज भी दिख रहा होगा, कॉरल भी दिख रहा होगा, थोड़ा रेड भी दिख रहा होगा। तो ये इस तरह से थोड़े थोड़े इसमें टोन्स बदलते हैं, बट मेनली जो अगर आप नॉर्मली जो दूर से दिखेगा ना, तो वो आपको दिखेगा इसमें ऑरेंजिश पिंकिश कलर। तो ये है थोड़ा सा क्लोजअप, जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए इसका कलर। बहुत ही प्यारी वाली साड़ी है, पर यार मुझे साड़ी ना पहननी नहीं आती है, तो मैंने लेकिन आप लोगों के लिए ट्राई किया है कि मैं थोड़ा सा पहन के क्लोजअप से दिखाऊं पहन के मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो मुझे इस बेसिस पे जजमेंट करना कि मैंने साड़ी पहनी कैसी है, इस जस्ट मैंने वो आप लोगों को दिखाने के लिए पहनी है। मैंने पूरे ट्राई करा है कि मैं अच्छे से पहनूं, लेकिन मुझे पहननी नहीं आती है। अगर आप पहनते हैं साड़ीज़ और आपको बहुत अच्छी लगती है सिल्क साड़ीज़, तो यू विल लव इट। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। तो ये है थोड़ा सा क्लोजअप पूरी साड़ी का, बहुत ही अच्छी सी शाइन है इसके ऊपर यार, बहुत सुंदर है। ओके चलिए लास्ट में मैं करने वाली हूँ कुछ कलर्ड काजल का रिव्यू, जो कि पर्पल पे न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। आज है इन पे 40% ऑफ आपको मिल जाएंगे 150 रुपीज़ से भी कम में। इन्होंने 6 कलर्स इसमें लॉन्च किए हैं, इस तरह की ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है। और लाइक ये ना जैसे कई काजल होते हैं जिनको शार्पन करना पड़ता है, ये ऐसे रोटेट करके ऊपर आ जाते हैं, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि यार शार्पनर की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल इसी को ऊपर किया नीचे किया और आपका काम हो गया। तो इतना आपको बेसिकली अंदर क्वांटिटी मिल जाएगी आपको आइडिया देने के लिए कि कितना काजल है। मैंने इसको मैक्सिमम ओपन किया है, तो 6 कलर्स लॉन्च हुए हैं, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है पहला कलर कॉपर, मैंने अभी आपको स्वाइप दिखाया सिंगल स्वाइप, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा लाइक मोटा करके आपको दिखाती हूँ, जिससे कि आपको कलर का अच्छे से आइडिया हो जाए। लाइक एक सिंगल लाइन में आपको कलर अच्छे से नहीं समझ आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा मोटा ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको कलर का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए। सो ये मेरा फेवरेट कलर है, दिस इज द कॉपर शेड, इसमें गोल्डन कलर की शिमर्स है, बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा। और आईलिड्स पे ऐसे ही लगा लो और इतना सुंदर, इतना प्यारा लगने वाला, आपको कोई आई शेडो की भी जरूरत नहीं है।
दिस इज़ द सेकेंड कलर, दिस इज़ द ब्लू कलर, बहुत ही प्यारा शाइनी वाला शिमरी वाला ब्लू है, आपको इसमें छोटे छोटे से शिमर्स दिख जाएंगे, जस्ट लुक एट दैट, इट्स रियली ब्यूटिफुल। तो ये है हमारा थर्ड शेड, दिस इज़ द पर्ली शेड। ये शेड होता है आपके इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए या फिर ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। इट्स सच अ ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस शेड, यू लव इट। अगर आप इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करना आपको अच्छा लगता है, ब्राउ बोन को हाईलाइट करना, तो ये बहुत ही प्यारा शेड है। तो सारे जो कलर्स है सबका वन स्वाइप पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। मैं मोटा मोटा करके इसलिए लगा रही सो दैट आपको जो कलर है ना अच्छे से अंदाज़ा हो जाए, आपको कलर कैसा है अच्छे से आपको दिख जाए, और अगर आप कोई लेना चाहते हैं कोई कलर तो आपको इजीली हेल्प हो जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मोटा करके लगा रही हूँ। मैं आपको वन स्वाइप पिगमेंटेशन तो दिखा ही रही हूँ, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा करके अलग से दिखा रही हूँ। सो दिस इज द वाइट वन, ब्लैक वन, तो बहुत ही प्यारे कलर है। ये है हमारा लास्ट शेड, दिस इज द ब्रॉन्ज शेड, थोड़ा सा पिंकी रेडिश टोन, ब्रॉन्जी जिस लिखे दैट, कॉपर एंड ब्रॉन्ज में से मेरा कॉपर वाला शेड ज़्यादा मुझे मतलब ब्यूटीफुल लगता है, मेरा कॉपर शेड सबसे ज़्यादा फेवरेट है। कॉपर एंड पर्ल, दीज आर द टू शेड दैट एब्सोल्युटली लव, एंड नाउ जस्ट लुक एट दैट, इट्स एब्सोल्युटली स्मज प्रूफ। मैं कितना हार्शली उसको रब कर रही हूँ, फिंगर से भी एंड हैंड से भी, एंड कुछ भी मेरे हैंड्स में नहीं आया, जस्ट लुक एट दैट, इट्स एब्सोल्युटली स्मज प्रूफ, बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। चलिए अब कर लेते हैं वाटर प्रूफ टेस्ट। तो देखो मैंने पानी डालने के बाद इसको मैं स्मज भी करने की कोशिश कर रही हूँ तब भी स्मज नहीं हो रहा, तो ये वाटर प्रूफ तो है ही, साथ में वाटर रेजिस्टेंट भी है, जस्ट लुक एट दैट। अभी इसको ऑयल से रिमूव कर लेते हैं, तो ऑयल से बहुत इजीली रिमूव हो जाता है और पीछे कोई भी स्टेन भी नहीं छोड़ता। लेकिन काफ़ी सारे काजल आपने देखे होंगे ना ऐसे, हो कितना भी रिमूव कर लो लेकिन आंखों के नीचे ऐसा लगता है जैसे कि डार्क सर्कल दाग हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। ऑयल से या मेकअप रिमूवर से बहुत ईजिली रिमूव हो जाते हैं। तो ये है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल काजल, वन स्वाइप पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट है। 6 से 7 घंटे के लिए बहुत इजीली स्टे कर जाते हैं, उसके बाद फेड होने लग जाते हैं। बहुत क्रीमी है, 6 कलर ऑप्शंस आपके पास चूज़ करने के लिए। मेरे पास है शेड, मेरे फेवरेट जो शेड्स है वो है कॉपर एंड पर्ल। एंड एक और अच्छी बात है कि आपको शार्पनर की भी ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ कल, टिल देन यू टेक केयर, बाय।